हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, गति एवं दूरी का मापन। पढ़ने वाले हैं गति का मापन और दूरी का मापन। गति का मतलब है, पहले हम समझेंगे दूरी और गति, दोनों इसी में समझने वाले हैं। जैसे सपोज दैट, मानिए आप ये हमारा क्या है, घर है, और ये हमारा क्या है, स्कूल है। अब मानिए कि घर से स्कूल हम जाते हैं अपने, हम जब घर से अपने स्कूल पहुंचते हैं, एक बच्चा है वो घर से अपने कहाँ जा रहा है, स्कूल। अब घर से जब स्कूल पहुंच रहा है वो, तो कुछ दूरी तय कर रहा है, कुछ दूरी तय करता है। अब ये दूरी तय कैसे करता है, कुछ होते हैं कि पैदल जाते हैं स्कूल, कोई साइकिल से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई चारपहिए से जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, दूरी तय करने के लिए साधन का प्रयोग कर रहा है। अब साधन में चाहे वो पैर से जाए, साइकिल से जाए, या किसी बाइक से जाए, तो ये क्या हुआ, हमारी कुछ दूरी हुई। अब ये जो है हमारा पहला टॉपिक, इसी से संबंधित है, यातायात की कहानी। मतलब ये जो जा रहा है, ये जो हमारा साधन है, इसी को क्या बोला जाता है, यातायात। आम भाषा में हम इसे बोलते हैं, जैसे हमने ऑटो, बाइक, रिक्शा और हमने बस यूज कर लिया, यही हमारा साधन ही यातायात कहलाता है। तो पहला हमारा टॉपिक है यातायात की कहानी। अब सपोज यही जो स्कूल जाते थे, कोई पैदल जाता था, कोई बाइक यूज करके, कोई साइकिल यूज करके, कोई बस से। अब पहला कौन सा, कोई पैदल जाता था। मतलब जो यातायात की कहानी है वो शुरू होती है जब हमारे पास साधन नहीं थे, ना गाड़ी थी कोई, ना साइकिल थी, ना हमारे पहिया की खोज ही नहीं हुई थी। तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। फिर लोगों ने खोज किया वो पानी में टापू बना के, मतलब ना एक तरीके की जो नाव होती थी, इस तरीके से लकड़ी को जोड़ करके नाव बना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये एक तरीके की क्या है, नाव है। फिर उसके बाद लोगों ने इन्वेंट किया कि जो मछली होती उस शेप की उन्होंने नाव बनाई। अब वो नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत इजी रहता था, वो व्यापार के लिए बहुत इजी था। तो क्या हुआ, पैदल से कहाँ पे आए, नाव पे आए। फिर किसका यूज हुआ नाव के बाद, जानवरों का यूज किया जाता था। जानवरों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ी स्पीड मिली। जानवर से क्या होता था, जैसे घोड़े का यूज करके बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। इससे क्या हुआ, पैदल से पानी पे आए, यहाँ पे कुछ स्पीड मिली, मतलब जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते थे। फिर नाव से जानवर पे आए, यहाँ पर भी स्पीड मिला। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज ने, किसकी खोज हुई, पहिए की। अब पहिए की खोज ने ये एक तरीके की यातायात जगत में बहुत बड़ा चेंज ला दिया, परिवर्तन ला दिया पहिए की खोज ने। अब पहिए से क्या हुआ, पहिए से गाड़ी बनाई गई और वो गाड़ी जानवरों में जोड़ दी जाती थी। तो अब इससे क्या हुआ, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता भी था, और मतलब एक साथ में कई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, और व्यापार के लिए भी बहुत सुगम हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब पहिए की खोज के बाद इंजन का खोज हुआ। पहिए की खोज ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उसके बाद इंजन का खोज, सबसे पहले किसका इंजन का खोज हुआ, भाप इंजन। अब पहिया हो गया, भाप इंजन हो गया। अब इन दोनों के संयोग से बहुत अच्छी गाड़ी तैयार हो गई, जिसमें और स्पीड आ गई। मतलब अब व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहता था, तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। जैसे यहां समझते हैं, अब एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, पैदल वाला ज़्यादा टाइम लेगा, साइकिल वाला उससे कम टाइम लेगा, बाइक वाला साइकिल वाले से कम टाइम लेगा, और इससे भी कोई और अच्छी बाइक आई। मतलब आज मार्केट में क्या अलग अलग हैं, किसी की स्पीड बहुत तेज़ रहती है, किसी में उससे कम रहती है। मतलब क्या हुआ, लोग जल्दी जल्दी पहुँचते गए कि नहीं। मतलब ये यातायात में ये जो खोज हुई, इस खोज ने क्या किया, स्पीड में एक बूस्ट ला दिया। मतलब कि स्पीड में जल्दी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते थे। आज मार्केट में हम देख रहे हैं मेट्रो अवेलेबल है, बुलेट ट्रेन आ गई है, अब तो बहुत इजी हो गया यातायात, हम प्लेन से एक स्थान पर दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। ये क्या हुआ, यातायात के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ये हमारा क्या था, यातायात की हमारी क्या थी, कहानी थी। अब हमारा अगला टॉपिक है मापन पे है, वो भी इसी से जुड़ा है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा क्या होता था कि यहाँ पे वो एक स्थान पे दूसरे स्थान गया। अब वो दूसरे स्थान पे गया तो वो जो इसने जो दूरी तय की, इसका कुछ मापन होता था। तो पहले लोग एक कोस दो कोस में बताते थे, पहले क्या होता था कि मापन बताना, एक कोस दो कोस तीन कोस चार कोस आधा कोस ऐसे बताया जाता था। बट आज अगर इसका यूज किया जाए तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो मापन जो शुरू होता है वो पहले वस्तु से शुरू होता था, सब ने एक अलग अलग अपना मापन बना रखा था, एक यंत्र बनाया था मापन का, कोई हाथ से, जैसे इसे बोलते हैं बलिस्थ, डोरी का यूज किया जाता था। जैसे टॉपिक है हमारे बुक का ही कि डेस्क की चौड़ाई मापना है, तो पहले इसका यूज करते थे बलिस्थ,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स पैम और हिंदी में बोलते हैं बलिस्ट। जैसे इस बोर्ड की अगर हमें चौड़ाई मापनी हो तो क्या करते हैं, इस बलिस्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ के बाद ये कितना है, आधा, मतलब कहेंगे 8.5। मतलब इस बोर्ड की अगर चौड़ाई बतानी हो तो 8.5 बलिस्त है। तो ये क्या था, एक मापने का एक तरीका था, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट मापने का नहीं था, उस समय उतने इन्वेंट नहीं हुए थे। तो फिर सब सारी कंट्री जो अलग अलग देश रहते थे, देश थे, सब ने अपना अलग अलग, कोई हाथ से मेज़र करता है, कोई डोरी से मेज़र करता है, सब कोई बलिस्त, कोई स्टिक यूज करता था मापने के लिए। तो फिर क्या हुआ, इंडिया में अलग सिस्टम था। जो हमारे मिस्र के लोग थे, सबसे पहले जो मापने की प्रक्रिया शुरू की थी मिस्र वालों ने, वो उन्होंने अपना एक अलग तरीका हाथ से बनाया था, लकड़ी स्टिक यूज करके, है ये बलिस्त का हैंड स्पैम का यूज करके नापते थे। इंडिया में अलग तरीके से बनाया गया था। फिर क्या किया फ्रांसीसियों ने, फ्रांस की एक कंट्री थी, फ्रांस कंट्री, फ्रांसीसियों ने एक स्टैंडर्ड बनाया। किसने बनाया, फ्रांसीसियों ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसे मीटर पद्धति बोलते हैं। फ्रांसीसियों ने स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम क्या है, मीटर पद्धति, जिसे बोला जाता है SI, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इस उन्होंने मीटर पद्धति जो बनाई, ये मीटर पद्धति में विश्व के जितने देश थे सारे देश सहमत होकर उन्होंने एक मानक बनाया, उसे बोलता है SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और एक मीटर रॉड को मेज़र करके बनाया गया, इसमें बताया गया 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब ये जो मेजरिंग वाला सिस्टम हुआ, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे हम कोई, सपोज दैट आप भारत में हैं, आप कुछ 1 मीटर नाप के ले जाते हैं कोई वस्तु, तो क्या हुआ दूसरे देश में भी क्या होगी, वो 1 मीटर रहेगी। मतलब अर्थात कहने का है कि जो मीटर, ये SI सिस्टम बनाया गया, इससे व्यापार में बहुत सुगमता हुई। सभी देश मिल करके मेजरिंग जो मापन यंत्र था उसमें बड़ी बड़ी जो दूरियां होती थी उसे मापने में दिक्कत होता था। फिर किलोमीटर बनाया गया, 1 किलोमीटर बराबर बना दिया गया डिस्टेंस, उसको भी मेज़र करके सबकी सहमति बनी। फिर उसके बाद इसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, मतलब हमने एक पूरा स्टैंडर्ड बना लिया, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये पूरा एक स्टैंडर्ड बना गया। और ये स्टैंडर्ड पूरा होल ओवर, मतलब पूरे विश्व में फॉलो होता था मापने के लिए। और ये मापन क्या हुआ, इससे इजी हुआ, मतलब स्टैंडर्ड माना गया। स्टैंडर्ड से क्या हुआ, एक पूरा तरीका चेंज हो गया। अब इससे पहले बड़ी दिक्कत आती थी, कोई भी डिस्टेंस मापना हो तो बलिस का यूज करो, स्टिक का यूज करो। अब मान लो कि आप वक्र रेखा मापनी हो तो वक्र रेखा पहले बड़ा मापना दिक्कत होता था, इसे बलिस्त से भी, इससे कैसे मापते थे, डोरी का यूज करके। जैसे मेरे पास डोरी है, अब इसे मापना है तो इसे डोरी से बहुत अच्छे से माप लिया जाता, जैसे एक यहाँ पे नापे, फिर यहाँ पे, फिर अगर वक्र रेखा की लंबाई बतानी है तो क्या बताएंगे, फिर ऐसे यूज करके यहाँ पे आते, फिर इधर आया, मतलब वक्र रेखा की लंबाई कितनी हुई, इतना हुआ, ये इतना काट करके अगर कुछ इस माप की जहाँ पे ज़रूरत रहती वहाँ पे ले जाते, इतनी वक्र रेखा की लंबाई है, बताना बड़ा डिफिकल्ट होता था। बट अभी वर्तमान में क्या है कि मार्केट में अलग अलग यंत्र अवेलेबल हो गए हैं, चाहे वक्र रेखा हो, सीधी रेखा हो, कितनी भी बड़ी डिस्टेंस हो, अब हम माउंटेन एवरेस्ट मतलब पर्वत को भी नाप लेते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे यातायात में खोज हुआ था, ठीक उसी तरीके से मापन के क्षेत्र में भी खोज हुआ। अब हमारा इसी से रिलेटेड, मापन से ही संबंधित एक अगला टॉपिक है, ये जो मापन होता है, इस मापन का तरीका कैसे रखा जाए। अब मापन को, माप किसी भी चीज़ को मापते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास स्केल है तो आप स्केल को कैसे रखो और किस साइड से देखो कि हम एक्यूरेट देखें, हमारी जो मिस्टेक्स है वो ना हो। तो जैसे स्केल है, सपोज दैट आपके पास ये एक रेखा खींची गई है, ठीक है, और हमारे पास एक स्केल है, स्केल की पूरी मेजरमेंट है वो 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये स्केल हमारी क्या है, ये हमारा मार्कर स्केल है और ये रेखा मापनी है। तो क्या एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे दिया गया है कि अगर आप ऐसे रखते हो, मतलब आपकी लाइन इधर है और आप स्केल बढ़ा के रखते हो, तो ये क्या हो, इस मापन में क्या हो रहा है, त्रुटि है, ये त्रुटि मापन है। फिर हम क्या करते हैं, हम एकदम सीधा रखते हैं और मापते वक्त आपको सीधा देखना पड़ेगा। जैसे ये हमारी क्या है, यहाँ इसका एंड पॉइंट है, अब इसे देखने के लिए आप ऐसे देखोगे तभी मिस्टेक है, इस तरीके से देखते हैं तब भी गलती हो सकती है। तो शुद्ध मापन के लिए हमें एकदम सीधा देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ये स्केल से। तो मतलब जब भी मापन करना है उस समय मापन करते वक्त हमें अपने जो आई है, अपनी आँखों को एकदम सीधा रखना है और जो स्केल है उस स्केल को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से रख करके मेजर करना है। तो ये हमारा क्या हुआ, मापन हुआ। और हमने इसमें क्या पढ़ा, यातायात की कहानी, मतलब हमने कहाँ से कहाँ पर शुरू किया, आज मार्केट में कैसे कैसे हमारे पास साधन अवेलेबल हैं।
हमने मीज़रमेंट के बारे में पढ़ा और मीज़रमेंट में जो सावधानियाँ रखनी हैं उनके बारे में पढ़ा, और जो हमारी वक्र रेखा होती है उसका कैसे मापन किया जाता है। वक्र रेखा का मापन पहले डोरियों से होता था, पहले किसी मेज़ की चौड़ाई मापनी हो तो सब गुल्ली डंडे का यूज करते, गुल्ली का यूज डंडे का बता देते थे कि चार डंडा और तीन गुल्ली है। जैसे अभी इसका मापन करना हो तो क्या, सपोज़ दैट अभी मानिए कि हमारे पास कोई मापने का यंत्र ही नहीं है, तो हमारे यहाँ मापते थे किससे, गुल्ली डंडे से, तो इसे बताएंगे चार डंडा तीन गुल्ली हो गया। तो ये क्या था, बड़ी दिक्कत आती थी व्यापार करने में। तो ये सारे चेंज हुए फ्रांसीसियों ने, अपना फ्रांसीसियों ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसे मीटर या SI स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उसमें एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से सारे स्टैंडर्ड बनाए गए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो, बड़ी दूरियों नाप, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों नापने के लिए किलोमीटर बनाया गया। अब तो हमारे पास गूगल मैप अवेलेबल है, उससे भी मेजरिंग हो जाती है, ड्रोन सिस्टम से मेजरिंग हो रही है, और बड़े बड़े हाइट जैसे अब लेज़र माध्यम से भी मेजर किया जाता है। जैसे पहाड़ियों की जो चोटियाँ हुई वहाँ पर तो कोई इंस्ट्रूमेंट ले नहीं जाएंगे, लेज़र माध्यम से। अभी वर्तमान में बहुत बड़ा चेंज हो गया, बट ये चेंज की न्यू कैसे कहाँ पर थी वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।